नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का जो प्रश्न पत्र है जिसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और ये जो प्राचीन संस्कृत साहित्य का पेपर विद्यार्थियों, पूर्व निर्धारित स्कीम के अनुसार 28 अगस्त को होना है। अगर बढ़ा नहीं होगा आगे, अगर तिथि को आगे नहीं बढ़ाया होगा तो 28 अगस्त को ये पेपर होगा विद्यार्थियों। अब ये जो 28 अगस्त वाला पेपर है प्राचीन साहित्य, तो इसमें जब आप देखेंगे प्राचीन संस्कृत साहित्य, ये है विद्यार्थियों, तो ये जो प्राचीन संस्कृत साहित्य का पेपर है, प्राचीन संस्कृत साहित्य का पेपर आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें पहली जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, विक्रमांक देव चरित, ये है, ये आपकी 20 नंबर की है विद्यार्थियों, जिसमें एक व्याख्या हिंदी में और ये 10 नंबर की आएगी। आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक व्याख्या है, दो श्लोक देगा आपके लिए, एक व्याख्या करवाएगा वह हिंदी में है और दूसरी जो व्याख्या है वह संस्कृत में है, ये भी 10 नंबर की है। फिर उसके बाद देखिए, दूसरी पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र है इसमें देखिए पहली जो व्याख्या है इसमें आपको हिंदी में करनी है और एक श्लोक आएगा, क्योंकि ये जो गद्य और पद्य दोनों में है विद्यार्थियों, और दो श्लोक देगा, एक की पूछेगा, 10 नंबर का है, क्या है कि दो श्लोक देगा और एक की व्याख्या आपसे पूछेगा, तो कितने नंबर की है, ये 10 नंबर की है। और दूसरी जो व्याख्या है ये व्याख्या भी कितनी है, हिंदी में है, लेकिन ये क्या आएगा विद्यार्थियों, दो गद्य देगा और एक गद्य की आपसे व्याख्या पूछ लेगा। फिर उसके बाद देखिए, तीसरी जो पुस्तक है शिशुपाल वधम, इसमें देखिए दो श्लोक देगा और एक की व्याख्या करनी है, यह 10 नंबर की है और ये हिंदी में करनी है विद्यार्थी, आपको किसमें करनी है, हिंदी में। फिर दो श्लोक देगा, एक व्याख्या करनी है और ये जो व्याख्या होगी वो किसमें होगी, संस्कृत। यानी ये दो जो महाकाव्य हैं हमारे, एक तो विक्रमांक देव चरितम और एक है आपका शिशुपाल वधम, इनमें जो व्याख्या आनी है वह किसकी आएगी, एक हिंदी में एक संस्कृत में। और उसके बाद देखिए, अंतिम जो ग्रंथ है हमारा वह कौन सा है, बुद्ध चरितम, और इसमें विद्यार्थियों आपके लिए 4 श्लोक देगा और 2 की व्याख्या है और वो भी क्या है, हिंदी में है दोनों की, और इसके हो जाएंगे 10+10 अर्थात 20 अंक। यानी ये जो बुद्ध चरितम है इसकी हिंदी में व्याख्या आनी है। तो जब आप पेपर देखेंगे, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और अगर आपको नहीं मिली हो तो पुनः मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उसमें प्रत्येक जो महाकाव्य है, देखिए विक्रमांक देव चरितम, इसकी जो 20-22 श्लोक हैं उनकी व्याख्या आपको वहाँ मिल जाएगी। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसको मैं नहीं कराया विद्यार्थियों,
शिशुपाल वधम है, इसकी 20 व्याख्या मिल जाएंगी आपको। और बुद्ध चरितम है, इसकी भी कितनी व्याख्या मिल जाएंगी आपको, 20 व्याख्या मिल जाएंगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने ये पेपर प्रारंभ कराया था कि जब आप पेपर को देखेंगे इसी क्रम में व्याख्या आनी है, यानी जो पहला प्रश्न होगा व्याख्या का वो किसका होगा, विक्रमांक देवचरित का। फिर उसके बाद देखिए चार प्रश्न हो गए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये पेपर की स्थिति रहेगी आपकी। फिर उसके बाद देखिए पांचवा जो नंबर होगा, इस पांचवें नंबर में प्रश्न आएगा, ठीक है। तो पांचवें नंबर में एक प्रश्न तो आएगा आपका विक्रमांक देवचरित से, किससे आएगा, विक्रमांक, ये जो विक्रमांक देवचरितम, इससे कोई सा भी प्रश्न आ सकता है विद्यार्थियों। इसके बाद इसमें अथवा में आएगा, अथवा में आएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र, यानी जो पांचवें नंबर का प्रश्न आएगा वह 10 नंबर का है। तो 10 नंबर में एक प्रश्न इसका और एक इसका, आप चाहें कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों जब आप छठवां प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर जो 6 होगा, उस 6 में एक प्रश्न तो आएगा आपका कहाँ से, शिशुपाल वधम से, ठीक है। और एक प्रश्न आएगा आपका अथवा करके बुद्ध चरितम, यह है विद्यार्थी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो आएंगी व्याख्या, इसी क्रम में आनी है, उसके बाद आएंगे ये। तो देखिए जो मैंने आपको 20 श्लोक कराए थे, उन 20 श्लोकों में से इस विक्रमांक देवचरित में एक हिंदी की व्याख्या 100% आ जाएगी, कोई भी डाउट नहीं है। आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसको याद कर लेना, उसमें व्याकरण विशेष आदि सब कुछ है। 2 श्लोक मैं करा दूंगा, समय का अभाव है। इसके बाद देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैंने कराया नहीं, अगर आप पे पुस्तक है तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम में एक जो हिंदी वाली व्याख्या है आपको 20 श्लोकों में से मिल जाएगी। पहले जो मैंने 20 श्लोक कराए हैं और जो मेरे वीडियो में मिल जाएंगे आपको, उनमें से एक व्याख्या मिल जाएगी। और उसके बाद देखिए बुद्ध चरितम है, इसमें से भी एक तो मिल ही जाएगी, हो सकता है दोनों व्याख्या मिल जाए। अब इस प्रकार से ये 10 और 10 20 और 10 30, इनमें से कोई सा भी प्रश्न आप कर सकते हैं। अब की बार जो परीक्षा हो रही है विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं 100 नंबर का पेपर आएगा और हमको करना कितना है 50 नंबर। 100 नंबर का पेपर आएगा आपके लिए और आपको हल कितना करना है, आपको हल करना है 50 नंबर का। तो आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं, कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जैसे मान लीजिए नहीं हो पा रहे हैं और आपको लगता है बुद्ध चरितम की दोनों व्याख्या आ गई, क्योंकि 4 में से 2 कराएगा, आपको अथवा बतवा पे ध्यान नहीं देना है, 4 अगर आपसे आती है तो 4 कर देना, 40 नंबर की हो जाएंगी। इसी प्रकार से इसमें कुल मिला के आपको 100 में से 50 नंबर का करना है, कहीं से भी अथवा पे विकल्प पे किसी पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर आप सेक्शन की बात करेंगे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कहीं भी सेक्शन नहीं है संस्कृत में, पूरा 100 नंबर का पेपर आएगा, इसी प्रकार से आएगा। पहले तो आपको ये देखना है कि ये इस प्रकार से हो जाए तो ठीक है। अब जब आपको नंबर बचते हैं, आपको 50 नंबर गिन लेने, कोई से भी 50 नंबर के प्रश्न हल कर देंगे आप, और 50 नंबर गिन लेने, पहले सही सही प्रश्न करना। अगर आप ये सोचते हैं कि मान लो 60 का कर दिया 70 का, तो वो पहले 50 ही गिनेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 50 नंबर में अगर मान लो आपका कोई कम पड़ रहा है और मान लीजिए इसमें से ही दोनों व्याख्या आती है, तो उसकी कर देना। अगर आपको लगता है कि प्रश्न 2 करने हमें 3 याद हैं, तो 10-10 नंबर के तीसरा प्रश्न कर देना। कुल मिला के आपको पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये जो साल है 2021, ऐसा अवसर आपको जीवन में कभी नहीं मिलने वाला विद्यार्थी। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिस पर हमें चर्चा करनी थी। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आप परीक्षा दे दें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो पेपर आया है उसको भेज देना। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।